आपने ये जो प्रश्न था आपका, वो जो नीति आयोग का जो प्रोजेक्शन है 10.3% ग्रोथ इस क्वार्टर में, आपको इस जो ग्रोथ तो पिछले साल के क्वार्टर के मुताबिक है, तो पिछले साल अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में -24% एक तरीके से डिक्लाइन हुआ था, तो उसके ऊपर आप 10% ग्रोथ देखें तो एक तरीके से वो जायज हो सकता है। लेकिन इस ये दो तीन चीजें पे बहुत डिपेंड करता है। पहली ये है कि डिमांड वापस आ जाए, जैसे मनीष जी ने कहा था कि पेंट अप डिमांड पिछले टाइम इसको ग्रोथ को लेके आया था, इस टाइम वो पेंट अप डिमांड होगा या ना होगा, और जैसे ध्रुव जी ने बताया था अभी बह बैठ गया है, क्योंकि इस टाइम जो है लोगों ने एक तरीके से अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर और वगैरह के ऊपर काफी खर्च किया है। लेकिन काफी ग्रीन शूट्स है कई कई सेक्टर्स में, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रोसरीज में थोड़ा इंक्रीस हुआ है, वो जो इसेंशियल कमोडिटीज में हमने जो कहा था उसमें एक तरीके से बढ़ोतरी आई है। तो अगर कोई दूसरा एक तरीके से कोई अचानक ही वेव या कोई लॉकडाउन ज्यादा इंक्रीस ना हो, तो 10.3% एक अच्छा लक्ष्य है, उसके ऊपर एक तरीके से हमें सब मिलजुल करके काम करना चाहिए। जैसे बताया गया था कि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, एक तो ट्रैवल का यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए ओपनिंग का, और उसको अगर देखें तो अगर हम एक सब नागरिक भी जो है उनको सतर्क रहना चाहिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना चाहिए, तो 10.3% एक तरीके से अच्छा एक लक्ष्य है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। डॉक्टर आलोक रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक, इस पूरे 15 महीने के दौर में एक पैराडाइम शिफ्ट हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में देखा है। कई तरीके से डॉक्टर्स, नर्सेज, हर कोई इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ये मौके की नजाकत है कि हम कोरोना वायरस की गंभीरता को समझें और इसी के हिसाब से एक्ट करें। लेकिन बर्डन तो उन लोगों पर भी है जिन्होंने सेकेंड वेव में खास तौर पर अपनी सारी सेविंग्स, अपनी सारी गाड़ी कमाई हेल्थ केयर में अपने परिजनों को बचाने में खर्च कर दिए। उन लोगों के हाथ में अब पैसा नहीं है, उन लोगों की जो सैलरीज हैं वो यूज हो चुकी हैं, उनके जो पीएफ अकाउंट्स हैं वो खाली हो चुके हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए क्या राहत दे सकती है सरकार, इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से या फिर किसी और स्टिमुलस से? अधिक सबसे बड़ी राहत देश के लिए ये होगी कि हमारे आदमी को वैक्सीनेट करें। जितने जितना वैक्सीनेशन बढ़ेगा उतनी लोगों को राहत मिलेगी, उतने लोग कम बीमार पड़े हैं। अब जो बीमार पड़ चुके हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो भविष्य में लोग इसे सफर ना करें, इसे पीड़ित ना हो, इसके लिए सरकार को वैक्सीनेशन की नीतियों को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को जो है ट्रेनिंग प्लेसेस और पब्लिक प्राइवेट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों स्टेट के एसेट हैं, दोनों को एक साथ मिलकर सरकार को दोनों के साथ काम करके दोनों को कोलैबोरेटिव मेथड में इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें जो उपलब्ध नहीं थी वो सरकार को उपलब्ध करानी पड़ेगी। सरकार जो है अगर चाहे तो वो बहुत सी चीजें, जैसे आज भी हम जीएसटी पे कर रहे हैं सामान लाने के लिए, अगर हम जो है 18% या 5%, हम लोग वैक्सीन पे भी 5% जीएसटी दे रहे हैं, वो तो पेशेंट के लिए एक्स्ट्रा हो गया ना। अगर वो सब चीजें सरकार राहत दे तो बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी और मरीजों को कम पैसा पे करना पड़ेगा। जहां तक इस बार जो ये सेकेंड वेव आई है, इस वेव में बहुत लोगों का जो नुकसान हुआ आर्थिक रूप से, अस्पतालों का भी आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। अस्पतालों ने बहुत पैसा नहीं बनाया क्योंकि ये इनको इतना खर्च करना पड़ा अपने को संभालने में, लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर को मेंटेन करने में, तमाम महंगी दवाइयां, तमाम महंगे उपकरण लाने पड़े, जिसमें हर तरफ से लॉस ही हुआ, देश को भी लॉस हुआ और जान गई अलग से। बचाव का एक रास्ता है कि जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन दे सकें उतना ही देश का आर्थिक रूप से भी भला होगा। डॉक्टर आलोक, अब तो चार्जेस भी फिक्स कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया है कि वैक्सीन के लिए कितना चार्ज लिया जा सकता है। इसमें अब आप क्या आगे सुधार देखते हैं? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब नहीं हिचकेंगे, इसे अपनाएंगे? क्योंकि अभी तक तो मनमाने दाम लिए जा रहे थे कहीं ना कहीं, अलग अलग हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स भी आ रही थी, लेकिन अब इसका चार्ज फिक्स कर दिया गया है और कई जगहों पर फ्री भी है। इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, जो लोग मनमानी कर रहे हैं वो हमेशा से करते थे और अभी भी करते रहेंगे, वो कोई और तरीका खोज लेंगे। लेकिन अगर हमें अपने देश में वैक्सीनेशन बढ़ाना है तो 150 रुपये फिक्स करके नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो है जब आदमी घर से बाहर निकल के कहीं ऑफ साइट कॉरपोरेट्स
या रेजिडेंशियल एरिया में जाएगा तो सरकार ने हमारे पास बहुत से नियम और कानून लगा रखे हैं। एक तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से उस जगह को अप्रूव कराने के लिए, ये बिना मतलब का एक अड़ंगा है। दूसरा, वहाँ पे मिनिमम ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके करने से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो 150 रुपये में कोई नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो या तो लोग चोरी करेंगे या तो लोग नहीं करेंगे, चांसेस ये है लोग नहीं करेंगे, जिससे देश का नुकसान होगा। मेरे ख्याल से सरकार को सोच समझ के ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे वैक्सीनेशन के लिए लोग कदम आगे बढ़ाएं। इसके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि अगर आदमी अपने अस्पताल में कर रहा है तो 150 रुपये बहुत अच्छा है, उस पर कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अगर अस्पताल बाहर निकलता है, सड़क पे जाता है, रेजिडेंशियल RWA में जाता है, ऑफ साइट जाता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाता है, तो उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो अगर सरकार इसको आसान कर दे परमिशन के तहत और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे जो उनका खर्चा हो रहा है वो निकालने के लिए, इससे वैक्सीनेशन की गति बढ़ेगी। सरकार को ध्यान से सोच के कदम उठाना पड़ेगा। बहुत हर्डली सोच के जो उन्होंने किया है अभी, हो सकता है वो बहुत लाभकारी देश में वैक्सीनेशन के लिए ना हो।